मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को, बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। भीषण गर्मी के बीच आ गई खुशखबरी। दिल्ली यूपी समेत राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है। हालांकि यूपी के कुछ इलाकों समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में 3 मई तक हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात में अगले 5 दिनों तक, मध्य भारत में 3 से 5 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने जा रही है, जिसकी वजह से हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 1-2 मई को, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में 3 मई को भारी बारिश होने वाली है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 3 मई को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में 3 से 6 मई के बीच बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में 4 से 6 मई के बीच बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है। बारिश होने से गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 1 से 3 मई के दौरान तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 मई को भी पूरे उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम रह सकता है। वहीं 5 मई से पश्चिमी यूपी में मौसम बदल सकता है। इस दिन 1 या 2 स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे राज्य में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यानी इस क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यूपी के इन जिलों में हो सकती है बारिश। आज पश्चिमी यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, मथुरा, इटावा, अलीगढ़, औरैया, एटा, हाथरस, फरुखाबाद, झांसी और ललितपुर में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 4 मई को एक बार फिर से नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे फिर तापमान में गिरावट आएगी। आसमान में बादल छाने के साथ 5 और 6 मई को भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मई के तीसरे और चौथे हफ्ते में बारिश और ओले के संकेत है। इससे चलते मई के पहले सप्ताह में भी लू जैसे हालात बनने की संभावना कम है। राजस्थान मौसम विभाग की माने तो 4 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 4 से 6 मई के बीच जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा हो सकती है। इस सिस्टम के असर से बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी के कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के आगामी 3 मई तक लगातार लू चलने का पूर्वानुमान है। हालांकि 3 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के पश्चिम में कुछ नमी दर्ज होने की संभावना है। IMD के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आगामी 4 से 6 मई के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में बादल के आसार है। ऐसे में इन दिनों लू के प्रकोप से और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब, हरियाणा में 3 से 5 मई के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ समेत हरियाणा में पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज हवा चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।